तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं तोश वैली और हमको रूम भी मिल चुका है। ये बहुत अच्छा व्यू पॉइंट है, हमारे जो रूम है उससे बाहर देखो, मेरे पीछे व्यू देखो, पहले आप ये देखो, ये हमारी बालकनी से व्यू है। और हम थोड़ा ऊपर आकर रुके हैं तोश के अंदर, ये रूम है हमारा, ये रूम है, तीन बंदे आराम से बेड पर सो जाएंगे, ठीक है। हमारा सामान वामान सब आ गया। ये रूम हमको पड़ा है 800 रुपये में एक दिन का, क्योंकि ऑफ सीजन है तो इतना क्राउड है नहीं, तो जो रूम 1500-2000 रुपये तक का होता है वो हमें 800 रुपये मिल गया। और भाई बहुत मज़ा आ रहा है, मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है इस टाइम पे, कोई धूप नहीं है, बहुत ही अच्छा बारिश वाला वेदर हो रहा है, पर बारिश अभी तक हुई नहीं है, ये अच्छी बात है कि बारिश ना हुई नहीं है पूरे रास्ते, तो हम लोग ईजिली आराम से कम्फर्टेबली आ गए हम लोग और तोश पहुँच चुके हैं। और ये साइड में सारे गेस्ट हाउसेज वगैरह बने हुए हैं और यहाँ पर बस यही फील है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत शांति है, पीस है, कोई इतना क्राउड नहीं मिलेगा आपको। और असली महफिल तो अभी बनेगी ना भाई, बनेगी ना असली महफिल शाम को। अभी भैया बता रहे जिनका रूम है ये, वो बता रहे कि शायद ऊपर वाटरफॉल भी है, तो वो भी अभी कवर करेंगे 1-1.5 घंटे बाद, पहले फ्रेश हो जाए सब लोग, कुछ खा पी लेते हैं फिर ऊपर चलेंगे, वाटरफॉल वगैरह दिखाएंगे। अभी मौसम भी अच्छा है, उजाला तो रहने वाला है, 6 बजे उजाला रहेगा यहाँ पे। हम निकल चुके हैं तोश वाटरफॉल के लिए, दोपहर के बज रहे हैं 3 और वाटरफॉल अभी बता रहा है 20-25 मिनट का रास्ता है, तो करते हैं एक्सप्लोर, आपको भी दिखाते हैं। जब तक आप ये थोड़ा जो ये वैली है वो एंजॉय करिए। हाँ हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, हल्की हल्की बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई है, शायद वहाँ पे बारिश हो रही होगी वाटरफॉल पे। अब भाई भाई पता कर ले कहाँ पर, उधर कहते हैं ऊपर की तरफ रास्ता जाएगा, हाँ वो कहते हैं रास्ता ऊपर जा रहा होगा या किसी जा रहा होगा, पता कर भैया। तो भाई ये शॉर्टकट बता रहे हैं, जहाँ पे ऊपर रास्ता डिवाइड होता ना वो वाला नहीं जाना, हमें इस ट्रेल से जाना है। और ग्रीनरी देखो, बारिश का मौसम हो रहा है, ये देखो फूल पत्ते। कौन सा वाला है वो ना, यहाँ से दिख तो रहा है। ओहो गाइस ये वाटरफॉल है, ये जूम करे मैक्सिमम भाई, जूम पे ये लो हो गया, ये मैक्सिमम है, सॉरी भाई बहुत नहीं फुल हो गया, फुल हो गया, इससे ऊपर नहीं होगा। ये वाटरफॉल है, अभी हम पता कहाँ पर है ये दिखाते हैं, ये देखो ये और ये वर्टिकल भी ले ले, हमें यहाँ पे जाना है। कोई जो मिला तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी सारी दुनिया में गीतों की ऋतु और रंगों की बरखा है, खुशबू की आंधी है महकी हुई सी अब। कोई जो मिला तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी सारी दुनिया में गीतों की ऋतु और रंगों की बरखा है, खुशबू की आंधी है महकी हुई सी अब सारी फिजाएं है, बहकी हुई सी अब सारी हवाएं, खोई हुई सी अब सारी दिशाएं है, बदली हुई सी अब सारी अदाएं, जागी उमंगे है धड़क रहा है दिल, सांसों में तूफान है, होंठों पे नगमे है, आंखों में सपने है, सपनों में बीते हुए सारे वो लम्हे है, मिट्टी जैसे सपने ये कितना भी पलकों से झाड़ो फिर आ जाते हैं, इतने सारे सपने क्या कहूँ किस तरह से मैंने तोड़े हैं छोड़े हैं। ये देखो ये जा रहे हैं, वाटरफॉल हो रहा, अभी दिखाते हैं आपको आगे से, आगे दिखता है, आगे से अच्छे से दिखेगा। और ये डॉगी हमारे साथ 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 चलता हुआ आ रहा है, पूरे रास्ते साथ दिया हमने, ये राजेश, ये राजेश के रूप में आया हमारे साथ। जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो उस रास्ते के हर मोड़ पर तुम मुझे सामने पाओगे विशाल, ये हमारा राजू बन के आया हमारी ट्रिप पे, उसको वाटरफॉल के मजे लेने। भाई हर कोई आता है। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं वाटरफॉल पे, जो बड़े वाला वाटरफॉल था ना वहाँ पे जाना अलाउड नहीं है, वो अभी बंद करा हुआ है लोकल्स ने यहाँ पे, तो मतलब कोई भी टूरिस्ट आएगा वहाँ पे नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पे ना अभी स्लिपरी है बहुत ज़्यादा, वो सेफ्टी नहीं है, तो वहाँ पे फिसलने का डर है। तो अभी ये छोटा वाला वाटरफॉल है, यहाँ पे बैठेंगे हम लोग, ये देखो ये वाला वाटरफॉल है, अभी ये भावेश विशाल वहाँ पे बैठे हुए हैं, और ये थोड़ा बस पानी का भाव है जिसमें हम नहा भी सकते हैं। और भाई बहुत ठंडा पानी है, मैं बता रहा हूँ बहुत ठंडा पानी, चिल्ड कैसे ना आएगा भाई,
हो भाई, ये देखो यहाँ से फ्लो आ रहा है, बहुत ही तेज फ्लो है, बहुत बहुत ठंडा पानी है भाई, बहुत ज़्यादा ठंडा। ये दोनों बैठे हैं, पता नहीं कैसे बैठे हैं। ये देखो भाई, ये देखो, अभी हमने यहाँ से मैगी वैगी ऑर्डर करी है, यहाँ से मैगी वगैरह खाएंगे। और कोई भी नहीं है भाई, सिर्फ हम ही तीन बंदे। जिनके सर हो इश्क की छाँव, पाँव के नीचे जन्नत होगी। जिनके सर हो इश्क की छाँव, पाँव के नीचे जन्नत होगी। शाम रात मेरी कायनात, वो यार मेरा सैया सैया। चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया। एक हो गए हम और तू, और उड़ गए निंदेरे, और खन की पायल मस्ती में तो कर गए खन के रे। हम्मा 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 ये, हम्मा 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 ये। तो भाई हम लोग निकल चुके हैं वाटरफॉल से, नहा के खाना वाना खा के, खाना खाना तो नहीं खाया ना हमने, मैगी चाय भाई पी थी बस। और भाई बहुत ठंडा पानी था, और जो बड़ा वाला वाटरफॉल है वहाँ पे हमें अलाउड नहीं किया जाने के लिए, क्योंकि टूरिस्ट के लिए अलाउड नहीं है वो, क्योंकि वो बहुत रिस्की है और स्लिपरी है, बारिश भी बहुत हुई थी वहाँ पे। वो है कि अपने रिस्क पे जाना चाहो तो हाँ, बट इट्स रिस्की, क्योंकि हमें पहले मना कर दिया यहाँ के लोकल्स ने कि भाई अलाउड नहीं है, बहुत रिस्की है। लोकल्स के बाद माननी चाहिए। हाँ, तो हम लोग बस ये छोटे वाले वाटरफॉल पे इन्जॉय करके आ गए, और अभी 20 से 25 मिनट लगेंगे अपने रूम पे पहुँचने में। तो वहाँ जाते हैं, हम नहाते थोड़ी। हाँ, यहाँ पे तो नहा भी लिए भाई, वहाँ नहा नहीं पाते। अब चलो सीधे रूम पे मिलते हैं, यहाँ से निकलते हैं, ट्रैक करते हैं 20 मिनट का और। 6.5 hours later. रात के बज रहे हैं 9, और हमारा हो रहा डिनर। बहुत इन्जॉय कर लिया आज का दिन, अब डिनर करते हैं। क्या मंगाया भाई हमने? दाल तड़का, चावल, बटर रोटी, सैलेड, बस यहाँ पे यही चीज़ अवेलेबल है, और कुछ अभी अवेलेबल नहीं है, सब कुछ बंद हो चुका है तोश वैली में। तो बस डिनर करते हैं और सोते हैं। रूम का व्यू तो वैसे बना रहा है, वैसे बना रहा है, बहुत बनाएगा इतनी बढ़िया व्यू है ये, काफ़ी सुबह उठ के ये नज़ारा जब देखा ना मैंने, मज़ा आ गया था। ये देखो आपको स्नो कैप्ड माउंटेन्स दिखाते हैं जूम करके, ये देखो दिख रहे हैं आपको, कितने बढ़िया लग रहे हैं। ज़ूम आउट कर देते हैं। टाइम हो रहा है 10:13, और अभी हम उठे हैं, मैं तो जल्दी उठ गया था 1 घंटे पहले, और ये भाई साहब अभी उठे हैं। भाई मैं सबसे पहले उठा था 7:30 बजे उठा था मैं, और ये कोई भी नहीं उठा था, मैं उठा था अकेले 7:30। बस की तो उठाता ना भाई, उठाया था मैंने, कोई नहीं उठा भाई, तो खुद आगे सो गया। और हमें अभी शायद लेट हो रहा है, क्योंकि हमने कार पार्किंग में जहाँ कार लगा रखी है वहाँ पे 12 बजे तक का टाइम है, और 12 बजे हमें वहाँ से पार्किंग में से गाड़ी निकालनी पड़ेगी। अभी हमारे पास 2 घंटे हैं सिर्फ, तो वरना हमारे 300 रुपये एक्स्ट्रा लग जाएंगे, 300 रुपये एक्स्ट्रा लग जाएंगे हमारे वरना। और अभी देखते हैं हम निकलेंगे मणिकरण होते हुए, फिर उसके बाद हम जाएंगे बिजली मार्ग। कल मेरी और भावेश की बहुत लड़ाई हुई है पुलगाँव और मणिकरण जाने के लिए, मणिकरण के दर्शन कराते हैं वहाँ पर जाके, और उसके बाद मैं आपको पुलगा गाँव दिखा देता हूँ यहाँ से। पुलगा शायद हम कवर नहीं करेंगे, बिकॉज वहाँ पे सेम ही चीज़ है। जो आप सामने गाँव देख रहे हो ना, उसके अपोजिट में पुलगा गाँव आता है, ये देख रहे हो, ये विलेज जो बसा हुआ है यहाँ पे, इसके अपोजिट साइड में आता है पुलगा गाँव। तो हम वहाँ पे जाएंगे नहीं शायद, क्योंकि सब कुछ सेम ही है, ये इस गाँव के अपोजिट पुलगा गाँव पड़ता है। और सुबह हो गई है तोश में, अगले दिन कौन सी डेट है आज, 10 जुलाई लग चुका है, और सुबह के बज रहे हैं 10:45 हो गए, 11:15 हो चुके हैं भाई। हम लोग चेकआउट कर रहे हैं यहाँ से, और अब हम जा रहे हैं मणिकरण गुरुद्वारा, और वहाँ से बिजली महादेव का ट्रैक करेंगे उसके बाद। तो मतलब 2 लोकेशन हमें कवर करनी है आज, बाकी आपको विशाल ने बताई दिया होगा स्टार्टिंग में सुबह सुबह जो बनाया था उसने ब्लॉग, मैं तो सो के उठा था उस टाइम पे। तो ये कुछ व्यू है यहाँ से, ये लास्ट व्यू देख लो बस,
ये विलेज है, ये रूम है हमारा, सब खाली कर दिया है, निकल रहे हैं बस। भावेश तो स्टार्ट लग रहा है भाई, भावेश हो भावेश, ये भाई देख रहा है गड्डियाँ ऊँचियाँ रखी हैं भाई। और ये हमारे भाई उल्टी पीली टी शर्ट, दस्त की लूज मोशन की दवा। तो भाई निकल गए हम लोग, चेकआउट कर दिया अपने रूम से, 11 बजे का टाइम हो रहा है। अच्छा भाई ये बालकनी थी, छोटी सी बालकनी है पर ठीक है, काम चल जाता है। अगर वो देखे ना, ये थर्ड आई जो है, ये वाला कैफ़े है, ये कैफ़े की बालकनी अच्छी है और यहाँ से भी व्यू अच्छा है, तो आप यहाँ पे भी स्टे कर सकते हो आके। चले भाई, तो अब हम लोगों को उतरना है और ये बहुत रिस्की है उतरना, क्योंकि सारा स्लिप हो रहा है। अब मैंने दो दो बैग टांगे हुए हैं, दिख नहीं रहा आगे कुछ भी। कि भाई दो बैग लाने जरूरी थे, सामने दो समझदार जा रहे हैं एक एक बैग से। भाई मैं दो ही लाऊंगा भाई, भाई मैंने दो बैग लिए हैं, मैं समझदार हूँ देख लो। पर अभी बिजली महादेव का ट्रैक करेंगे, तब एक ही बैग कर लूँगा मैं, क्योंकि मुश्किल हो गया ये दो बैग के साथ। हाँ, गाँव का मंदिर है जो हर गांव में होता है, बहुत ही खुली जगह होती है, बीच में मीटिंग वगैरह सब होती है, यहीं पे इनका मंदिर है तोश विलेज का, पंचायत वगैरह होती है ना जो। ओके सर, ग्राम पंचायत, अच्छा यहाँ पे लिखा है ना। हाँ, निकल गए हैं तोश वैली से, अब हम जा रहे हैं हम गाड़ी की तरफ जहाँ हमने गाड़ी पार्क करी है। 15-10 मिनट का ट्रैक था बस ये। ये देखो ये व्यू है, ये जाने रास्ता कवर करके हमें पूरा। और भाई फोन आ गया, बारिश के बहुत फोन बज रहे हैं भाई, बड़ा आदमी हो गया ये। मुझे कह रहे थे ना फोन चलवा रहा था। धूप अभी बहुत तेज़ हो रही है, बारिश तो हुई नहीं है आज भी ना कल भी, कल हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई थी और ठीक है, तो हम अच्छे से कवर कर सकते हैं जो भी हमारी लोकेशन वगैरह है। अभी हम लोग बिजली महादेव की तरफ जा रहे हैं और रस्ते में मणिकरण गुरुद्वारा पड़ेगा, तो वहाँ पर दर्शन करके सीधा निकलेंगे बिजली महादेव के लिए। तो यहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी थी, हमने यहीं पे अपनी गाड़ी पार्क करी थी, और भावेश साफ़ कर रहा है। और ये कैफ़े है कर्मा डिलाई कैफ़े, तो यही लास्ट पॉइंट है, यहीं पे सब गाड़ियाँ वगैरह पार्क होती है, इसके आगे आप नहीं लेके जा सकते। और अब हमें इस तरफ से वापसी निकलना है। तो गाइस हम लोग बैठ चुके हैं अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए, सुबह के लगभग 12:15 हो रहे हैं, तो अभी ब्रेकफास्ट करते हैं। अभी आलू प्याज पराठा मंगाया है, ये रहा आलू प्याज पराठा, और ये भावेश विशाल खा रहे हैं चटनी है। और ये बाहर से व्यू देखो, हमारा साइड व्यू है जो बैठ के यहीं पर ही, ये कैफ़े है छोटा सा, यहीं पे खा रहे हैं। तो हम लोग पहुंच चुके हैं मणिकरण गुरुद्वारा, ये देखिए यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, पहले पानी का फ्लो देखिए, ये रिवर का फ्लो है और बोरा गुरुद्वारा, हमें वहाँ पे जाना है अभी। दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, पेड़ों की शाखों से उतरे थे, फिर उतने मौसम गुजरे वो पत्ते दो बेचारे, फिर उगने की चाहत में वो सहरा उससे गुजरे, वो पत्ते दिल 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 थे, वो दिल थे दिल 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 थे। दिल है तो फिर दर्द होगा, दर्द है तो दिल भी तो होगा, मौसम गुजरते हैं रहते। दिल है तो फिर दर्द होगा, दर्द है तो दिल भी तो होगा, मौसम गुजरते हैं रहते, दिल से दिल से दिल से दिल से। तो गाइस ये आ गया कसौल, ये है कसौल की मार्केट, हम निकल रहे हैं अभी, कसौल क्रॉस कर रहे हैं, अभी हमें जाना है भुंटर की तरफ और वहाँ से हम रास्ता लेंगे अपना कुल्लू के लिए, बिजली महादेव के लिए। ये कसौल है पूरा, ये देख लीजिए, ये मार्केट है पूरी कसौल की, पीछे कैफेज वगैरह बने हुए हैं यहाँ पे। दिल से रे, दिल से रे, दिल
Inches later. तो भाई हम लोग फंस चुके हैं गाड़ी लेके। हमने ना बहुत छोटे से रास्ते पे घुसा दी गाड़ी, हमें लगा था यही रास्ता। बाइक तो चली जाती है भाई, पर ये देखो गाड़ी ना हमारी अब बैक करनी है यहाँ से। और ये देखो कोई भी नहीं है, सिर्फ हम ही अपनी गाड़ी लेके आ गए पागलों जैसी। जो रास्ता था ना वो दूसरा था जाने का गाड़ी का, पर हम लोगों ने इधर घुसा दी है ऑफ रोड पे। और भाई बहुत मुश्किल है गाड़ी मोड़ना यहाँ से। अब गाड़ी मुड़वाते हैं क्योंकि पत्थर बहुत लगे हुए हैं। रेडी? किमिश बैठा है, बारिश धक्का लगा रहा है और मैं वीडियो बना रहा हूँ, देखते हैं। रेडी, 1 2 3 गो। किमिश ने कैसे करके चढ़ा दी गाड़ी ऊपर। पीछे गाड़ी किमिश ने ऊपर चढ़ा दी थी, अब यहाँ पे आके फंसे हैं। ये देखिए यहाँ पे वैली है, नीचे का व्यू देखिए। यहाँ फंस चुके हैं हम। अब आगे हम स्पेस ढूंढ रहे हैं ये वाला, यहाँ से यू टर्न मारने की सोच रहे हैं बैक करके। देखते हैं, बारिश चला के ला रहा है। बारिश नीचे गड्ढा है, देख कर लाइयो। ये लो किमिश भाई, बनाओ वीडियो बनाओ। चलो भाई, सही फंस गए हम लोग बेकार में। हमने पता नहीं कौन सा रास्ता पकड़ लिया है। मैं बता रहा हूँ ना, बहुत छोटा रास्ता है भाई। एक टाइम पे एक ही गाड़ी निकल पाती है यहाँ से, और हमारी गाड़ी बैक भी नहीं हो पा रही है। अब बैक करवाना बहुत बड़ा टास्क है। वैसे हो जाएगी, छोटी गाड़ी है, करवा देंगे। पत्थर देख लियो वहाँ पे, वो कोने पत्थर है वहाँ पे देख। वो नहीं नहीं और अभी यहाँ से नहीं, और ले पीछे ले गया। अपनी तरफ काट, अपनी तरफ। हाँ बस ठीक है, ठीक है। और काट और काट भाई, लगेगी वहाँ पे, देख कोने में लगेगी। आगे ले गाड़ी, हाँ कर दिए भाई। अब कभी गलती नहीं कर रही यहाँ पे, ठीक है। पीछे बैठ चलती। तो हम लोग भाई वापस जा रहे हैं उसी रास्ते पे जहाँ से वो दो रास्ते डिवाइड हुए थे, वहाँ से हम थोड़ा प्लेन रास्ते पे लेंगे। ये रास्ता गाड़ी के लिए नहीं था, ये गाय वगैरह घोड़े वगैरह के लिए था। ये हमने गाड़ी घुसा दी यहाँ पे। रास्ता देख रहे हो आप, कितना छोटा रास्ता है। ओहो भाई, ये रास्ता देखो जहाँ से दो रास्ते डिवाइड होते हैं। ये हम ऊपर की तरफ जाने हमें, और हम चले गए थे दूसरी तरफ। अब ये रोड ठीक है, ये नेविगेशन चक्कर में हमारा कट गया। तो जी करते हैं शुरुआत बिजली महादेव ट्रैक की। 4:30 बजे का टाइम हो रहा है, लोगों ने बताया कि आधे घंटे 40 मिनट्स का ट्रैक है। बाकी देखते हैं कितनी देर में कर देंगे हम तीनों। मौसम भी अच्छा हो गया है, पानी भर लो भाई पहले यहाँ से। पानी भरो, वेदर भी अच्छा हो गया, अब ठंडी ठंडी हवा चल रही है। पहले बहुत धूप थी, अब धूप सारी गई, छाँव हो गई है। हमने गाड़ी अपनी यहाँ पर लगा दी है, हमारी गाड़ी यहाँ पर खड़ी है। 100 रुपये पार्किंग है एक दिन की। भाई सांसें फूल गई है, अभी थोड़ी देर ही चले हैं। 100-200 मीटर हुआ है बस। अभी तो बहुत हाँ चलो भाई, भोले बाबा ना हमेशा बहुत ऊपर जाके बसते हैं ऊंचाइयों में। स्पीकर दे तू, स्पीकर दो भाई, अभी तो हमें वो करना है माउंट एवरेस्ट। हाँ बेस कैंप निकाल, मेरे स्पीकर निकाल इसमें से भाई। माउंट एवरेस्ट बेस कैंप भी करना है हमें तो। ओ
हालत खराब हो रही है भाई चढ़ने में, स्टैमिना खराब हो गया भाई भावेश्वर मेरे तो। भाई विशाल ही यहाँ पे प्रो, इसे पता है कि हम कमजोर है ना, तो ये वहाँ पे ये भी थकता हमसे पहले, बस दिखाता नहीं है। भाई अभी तो बहुत दूर है, अगर इतना है ना तो इस वाले रास्ते से जा, बहुत दूर है अभी तो, बहुत दूर है, तू जा हमारे। चलो भाई, तो भाई डांस होली बस भी करो अब मेरे शंकरा, भंग रगड़ के बोलिए गौरा, तुम नहीं रजे अगोरा, लागी मेरी तेरे संग लगी मेरे शंकरा। भाई थोड़ा सा रह गया बस चढ़ना है ऊपर, 5-10 मिनट का और रह गया रास्ता। चलो भाई ये लास्ट का रास्ता ना बहुत सीधा सीधा हो गया है, बहुत सीधा सीधा है। उस स्प्रिंट मारे, हाँ भाई मार, सब कुछ मार सकता है तू। भाई भावेश थक गया है और विशाल आगे निकल गया बहुत आगे, हम दोनों बहुत थक गए यार, हम लोग ट्रैकर्स नहीं है, हमें ना थोड़े मतलब जो रिस्की ट्रैकिंग होती है वो सूट करती है। जैसे हो गया अपना दिल्ली में कूड़ेदांगला पास हो गया ना, करनाल बाईपास पे, भाई बहुत थक गया यार। आनंद पर्वत की हो गई, आनंद पर्वत तो भाई फेवरेट है, अब तो भाई का ससुराल भी है, वो भाई बहुत ऊपर चला गया वो विशाल। शंकर नाथ जी ओ भोले नाथ जी, ओ शंकर नाथ जी, फाइनली पहुंच गए हम लोग, थोड़ा सा रह गया बस पूरा, पता नहीं कितना ऊपर है। अरे वो तो रहा बस, उम्मीद लग रही कि है। आ गया, वही है, सारे कैंप लगे वहाँ पे, और भावेश अभी बहुत दूर बैठा वहाँ पे पूरा, वो बैठा हुआ भाई, दिखा दिया भाई, भाई अभी वो पूरा आएगा ट्रैक करके, हम चले आजियो। आवाज गूंज रही है बहुत तेज मेरी, चले भाई चलते हैं, थोड़ा सा रह गया बस ऊपर, पहुंचने वाले हैं, सांस फूल गई है हमारी तो। हमें ये पता लग गया कि हम लोग ट्रैकर नहीं है, विशाल कर सकता है ट्रैक बस, भावेश्वर मैं नहीं कर सकते भाई। सो तो 1.5-2 किलोमीटर का ट्रैक है ये, इसमें भी थक गए हम लोग, और हम लोगों ने केदारनाथ जी, तुंगनाथ जी ये सब किया था एक टाइम पर, वो पूरा जो हमारी जो पूरी ट्रिप थी ना वो ट्रैक वाली थी, पूरे टाइम ही ट्रैकिंग करी थी उसने, 50 किलोमीटर ट्रैक था वो, ट्रैकिंग राइड, हाँ। ट्रैकिंग राइड, पर इस पे हमने बस एक ही ट्रैक रखा था, ये वाला छोटा सा, बस बस दर्शन करने हैं भोले बाबा के और बस निकलना। बॉडी ना बाइक बैठ बैठ के आधी हो गई थी। हाँ चलो भाई आगे देखो, ये देखो ये एंट्रेंस है, अभी भी नहीं आया, अभी बहुत ऊपर है, हमें लगा था आ गया। ये देखो ये कैंप्स लगे हुए हैं, अभी भी हमें ना उस टॉप पे जाना है, उधर थोड़ा सा और है, और मैं आपको 360 व्यू दिखाता हूँ पहले देखो यहाँ से। वाओ यार वैली देख, भैंस की आंख क्या प्यारी वैली लग रही है, मजा आ रहा है, बढ़िया भाई। ये 360 व्यू है, ये देखो कितनी सुंदर वैली है, बहुत शांति है, मजा आ गया यार यहाँ पे आके तो, मैं तो बोले था भाई। फाइनली हम बिजली माधव पहुंच गए हैं, आप को दिखाता हूँ मैं, ये इसका एंट्री गेट है, देखो यहाँ पे मैं एंटर हो रहा हूँ, और वो आ रहे हैं किमेश और भावेश, ये दोनों आ रहे हैं भाई, ये इसका एंट्री गेट है, और हम करेक्ट 6 बजे पहुँचे यहाँ पे। आपको मैं दूर से बाबा का त्रिशूल दिखा देता हूँ, वो देखो वही मंदिर है, ठीक है चलो अब हम जा रहे हैं अंदर।
तो भाई हम लोग मंदिर के एंट्री पहुंच चुके हैं, यहाँ से मंदिर की एंट्री है, बोले बाबा जी। और वेदर बहुत अच्छा हो रहा है, अब इससे पहले ना बहुत धूप थी, अब बहुत अच्छा प्लेजेंट वेदर हो गया। दर्शन नहीं कर रहे भाई, उसके बाद रील बनाएंगे। ये सब लोग रील बनाने में लगे हैं, विशाल तो बहुत रील बनवा रहा है भाई हमसे, पता नहीं कितनी रील में डालेगा इंस्टाग्राम के ऊपर। ये बंद कर दी वीडियो, नहीं नहीं चल रही, बना लिया एक रील। ये भी बहुत चालू भाई, दोनों ही है। मेरी पता बहुत कम रील मिलेगी आपको इस बार, मैंने बस ब्लॉग ब्लॉग बनाया। ट्रैवलर है ना, ट्रैवलर है प्रो भाई, मुझे तो बनानी रील है। चल ठीक है भाई, चलो 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 भाई, ये देख लो भाई, ये है मंदिर की एंट्रेंस है, और ये त्रिशूल लगा है भोले बाबा जी का। पहले ऊपर चलो मंदिर, चलो भाई एक बना दे, अंधेरा हो जाएगा फिर। तो अपने शूज वगैरह यहाँ पे आपको रखने होंगे, और इसके बाद ऊपर मंदिर। और मैं तो चप्पल में ही आया हुआ हूँ, पूरा ट्रैक ही मैंने चप्पल में कर दिया। हाँ उतार दे भाई, चलो भाई। वही भाई क्यों झूल तो यहाँ है यहाँ जी भाई, भाई धूम आ रही है सारे भाई, ये है जी ना फौजी फौजी है ये ग्रीन में होता है भाई। ये मंदिर है आप देख सकते हैं, बिजली महादेव भाई, जय बिजली महादेव, जय भोले बाबा, हर हर महादेव। मैं लास्ट मेरे ख्याल से 2-3 साल पहले भी आने का ट्राई किया था, तो उस टाइम मेरा हो नहीं पाया था, विंटर्स में किया था, जनवरी में। भाई जो तेरा कभी पूरा नहीं होगा ना, वो मेरे साथ ही हो सकता है। तो इस बार मेरा पूरा हो गया, बिजली महादेव दर्शन करते हैं भोले बाबा के। महादेव भी मैंने कराया था भाई, हाँ। तो उस टाइम पे मेरा होनी छेक होती है वीडियो यार। यही तो भाई, यही तो नेचुरल है, यही तो नेचुरल है, उन्हें पता कैसे, यही नेचुरल चीजें तो आनी चाहिए। हम लोग निकल रहे हैं मंदिर से, दर्शन वगैरह हो गए हमारे, और सनसेट हो रहा है, 7 बजे का टाइम हो रहा है। देखो मैं दिखाता हूँ आपको कितना प्यारा व्यू हो रहा है, सनसेट हो रहा है यहाँ से। और भाई कोई भी नहीं है, मैं बता रहा हूँ, बहुत ही कम लोग हैं, सिर्फ हम ही लोग हैं यहाँ पे, ज़्यादा कोई आया नहीं है। वीकडेज़ का टाइम है ना, तो इतनी भीड़ भड़क का होता नहीं यहाँ पे। और थोड़ा प्लेस भी ना अलग ही है, किसी बहुत कम लोगों को पता है इस जगह के बारे में, बिजली महादेव के बारे में। और विशाल कैसा लगा तेरे को? बहुत बढ़िया जगह अच्छी है ना, अच्छी है भाई, पीसफुल। तोश से ज़्यादा मज़ा आया मुझे यहाँ पे। हाँ, इसको तोश वैली से ज़्यादा मज़ा आया इसको यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे यार शांति बहुत है ना, पीसफुल है, और क्राउड भी नहीं है, और वैली ना बहुत अच्छी सुंदर बनी हुई है, ग्रीनरी बहुत है। ये देखो यहाँ पे अगर स्नोफॉल पड़ती होगी तो और मज़ा आएगा भाई, बहुत तगड़ा होता है स्नो जब गिरती है यहाँ पे। हमारा कैंप आ गया नीचे, अब हमें उतर के जाना है कैंप के पास। अब अंधेरा हो जाएगा यहाँ पे, कुछ दिखेगा नहीं। ये हमारा कैंप देखो, वहाँ पे कैंप है हमारा, रोटी सब्जी कितनी, ये देखो, ये जूम करता हूँ मैं, वो वाला कैंप लिया हमने, उसके हिसाब से ना अनलिमिटेड। तो भाई ये सनसेट हो चुका है, अंधेरा होने वाला है, चलो 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 चलो। उसके बाद कैंप में जाके कुछ खाते पीते हैं, भूख लग रही है बहुत तेज। तो ये है हिमाचल की कौन सी डिश है, सिड्डू। अच्छा भाई, सही लग रहा है, मैंने पहली बार ट्राई करा है, इसका पहली बार है, मैं 2-3 बार खा लिया, 2-3 बार भाई मैंने तो खाया नहीं, मैंने खाया था। अच्छा, तो जब मैं एक बार बिजली महादेव आया था तो मैंने खाया था, वापस ट्राई करता हूँ। स्वेटर पहन लिया भाई मैंने, तो इतनी जैकेट पहन ली है, ठंड हो रही है। बस चाय वाय पीते हैं, नाश्ता वाश्ता करते हैं, चाय पानी,
सिद्धू मूसेवाला, फिर चलते हैं अंदर कैंप में। ये कैंप है हमारा, स्टे का करना है जहाँ पे हम लोग स्टे करेंगे। स्टे तो कैंप लगाएंगे, कैंप लगवाएंगे जैसे को वहाँ पे कैंप लग रहा है। वहाँ लगेगा, देख वो रस स्क्वायर बना रखा है, कैंप लगा हुआ पीछे दिख रहा है वहाँ पे। कैंप कैंप लगेगा यहाँ पे, इस तरफ कैंप लगवाएंगे हम लोग अपना, ठीक है। तो गाइस अभी हम लोग कर रहे हैं अपना डिनर, रात का 9:30 बज रहे हैं, और ये राजमा चावल प्याज वगैरह भी आ गई, खाते हैं। और यहाँ पे आज हम स्टे करेंगे। ओ भाई, भैया क्या नाम है कैफे का? मुसाफिर कैफे है ये भैया है। और आपको रात को आना हो तो बस कभी भी यहाँ पे स्टे कर सकते हो, वहाँ पे हम लोग अंदर भी स्टे करेंगे। और भाई कोई भी नहीं है, सिर्फ हम ही लोग हैं। नंबर वगैरह ना मैं आपका सुबह दिखा दूंगा, बोर्ड वगैरह ना तो उसमें दिख जाएगा।